आपके पिताजी? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। डॉक्टर बनना है हमको। डॉक्टर बनना है आपको? भी डॉक्टर ही बनना है? यस। नहीं, बगल वाली को सुन के आप नहीं ना बोल रही कि डॉक्टर बनना है? नहीं, हम उनका अभी हम सोचे नहीं, लेकिन फिर भी सोचे थे कि। तो इनका सुन के तो आप नहीं ना बोल दी? नहीं। क्या बनना है? हम अभी सोचे नहीं है, अभी सोचे हैं इंटर में और भी अच्छा, इससे भी अच्छा करें। अच्छा, उसके बाद फिर भी प्रतिभा न्यूज देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी गोपालगंज के बरौली प्रखंड के माधोपुर में है। यहाँ पे एक DPH स्कूल पढ़ता है जिसमें कुछ बच्चे टॉप किए हैं। उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तैयारी करते थे, उन लोगों को भविष्य में क्या बनना है। क्या नाम है आपका? शहबाज अली। अच्छा शहबाज जी, बताइए कि कैसे तैयारी करते थे। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन कि आप इतना अच्छा नंबर लेके आए। सबसे पहले आपको थैंक यू। और मैं 5 से 6 घंटा पढ़ता था, और कभी भी मतलब जब मन नहीं करता था तब नहीं पढ़ता था, और कभी भी ज़्यादा मतलब जब मन करता था तभी पढ़ता था, और इस तरह नहीं पढ़ता था, और जब मन नहीं करता था तब इस कभी सो भी जाता था, और इस तरह पढ़ता था। फ़ोन भी चलाते थे? कभी। कितना देर फ़ोन चलाते थे, कितना देर पढ़ाई करते थे? एक दो घंटे फोन चलाते थे। और 5 से 6 घंटे पढ़ाई? 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते थे। ये क्रेडिट किसको देंगे आप, इतना अच्छा नंबर आया है? मैं अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने पूरे परिवार को और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे आप? कोचिंग? मार्वेलस कोचिंग सेंटर। अच्छा, सर का क्या नाम है? पप्पू सर के पास। क्या बनना है लाइफ में? IAS बनना है। IAS बनना है। IAS का फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है अभी? प्रोफेसर चंद्रशेखर। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? अनूप कुमार। अच्छा, कितना नंबर है आपका? 431। अच्छा, 431। ये क्रेडिट किसको देंगे आप? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देंगे, उसके बाद मेरे सर पप्पू सर मार्वेलस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। क्या करना है लाइफ में? IPS बनना है। ये जो नंबर आया है वो ईमानदारी पूर्वक आया है कि चीटिंग भी होता था जहाँ पे आप एग्जाम दिए गए थे? हम जहाँ जाते थे वहाँ पे चीटिंग तो होता था, लेकिन हम नहीं करते थे कभी भी। एकदम ईमानदारी। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। अच्छा, कितना नंबर है? 442। कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। अच्छा, ये क्रेडिट किसको जाएगा? सबसे पहले तो मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा कि जो दयनीय स्थिति में भी हमारे पढ़ाई को जारी रखी। उसके बाद मेरे गुरु जी जिनको रूल्स फॉलो करके मैं इतना सफलता प्राप्त किया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं पिता? मेसन है। मेसन। अच्छा, क्या बनना है आप? IAS। IAS बनना है। सबको IAS ही बनना है, एकदम सोच लिए हैं? क्या करते हैं फादर साहब के? हमारे पिताजी बिजनेस में। अच्छा, आपके पिताजी? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। अच्छा, IAS बन पाएंगे आप? हाँ। क्या लग रहा है? पूरा यही जोश और जुनून रहेगा जिस तरीके से मैट्रिक में इतना अच्छा नंबर आया है, स्कूल टॉप भी है, कहीं ना कहीं बिहार टॉप की लिस्ट में भी है, तो यही जोश जुनून रहेगा? यस, एकदम कॉन्फिडेंस है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र भगत। अच्छा, क्या करना है लाइफ में? टीचर। टीचर बनना है। हाँ जी। और जो भी उसका नंबर आया है आपका? 436। 436 नंबर आया है। अच्छा, ये क्रेडिट किसको जाएगा? ये हमारे जो गुरुजन है उनको और माता पिता को, और इसमें जो मेन किरदार है पप्पू सर जी हैं। अच्छा, और ऑफलाइन तो मैं शायद पढ़ता ही था और ऑनलाइन भी पढ़ता था। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। अच्छा, कितना नंबर आया आपका? 417। अच्छा, 417 आया है। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, ये क्रेडिट किसको जाएगा, इतना अच्छा नंबर आया है? ये क्रेडिट मेरे सभी परिवार के सदस्य और मेरे गुरुजनों का जाएगा जो मुझे पढ़ाए और मुझे सपोर्ट किया कि मैं इतना अच्छा नंबर ला पाया। अच्छा अच्छा, क्या करना है करियर में? सेलटेक्स ऑफिसर बनना है। अच्छा, कुछ गर्ल्स भी है हमारे साथ, उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि गर्ल्स लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा जी, ये बताइए कि कितना नंबर आया है आपका? 405। 405 नंबर आया है। कंग्रेचुलेशन कि आप इतना अच्छा नंबर लाई। थैंक यू मैम। अच्छा, ये क्रेडिट किसको जाएगा, किसको अपना जो सफलता इतना? ये हमारे भैया और मेरी माँ और मेरे सर। अच्छा, कौन है आपके सर? पप्पू सर, माधोपुर। अच्छा, माधोपुर पढ़ती थी। तो घर और का काम का भी दबाव रहता था? नहीं, दीदी सब संभाल लेती थी घर का काम और मुझे बस पढ़ने के लिए भेजती। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग पप्पू सर के कोचिंग में सारे जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, कुछ क्या स्पेशल सर पढ़ा दिए हैं आप लोगों का कि इतना अच्छा नंबर आ गया? नहीं मैम, सबको समान शिक्षा देते थे। क्या बनना है? हम अभी सोचे नहीं है, अभी सोचे हैं इंटर में और भी अच्छा, इससे भी अच्छा करें। अच्छा, उसके बाद फिर भी सोची होंगी ना कि मतलब मन करता होगा ना कि टीचर बने, डॉक्टर बने, ऐसे कुछ सोची होंगी? डॉक्टर बनना है मैम। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए पता है कैसे तैयारी करना पड़ता है? नहीं मैम, पूछ लेंगे। यही जोश जुनून रहेगा ना? यस मैम, यस मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा जबीखा। क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर 430 है। 430 है जी। कंग्रेचुलेशन कि आप इतना अच्छा नंबर लाई हैं। क्या करते हैं फादर साहब के? थैंक यू मैम, मेरे फादर बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। और आपके फादर्स क्या करते हैं? मेरे
पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी नहीं है और घर वालों का इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने पिताजी के जगह नाम रोशन कीजिए और एक ऐसा बन के दिखाइए ताकि आपकी माँ को महसूस ना हो कि आपके पिताजी नहीं है। क्या बनना है लाइफ में आपको? अभी सोचे नहीं, अभी इंटर के बाद सोचना है। ये क्रेडिट किसको जाएगा? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स और टीचर। कुछ और भी बच्ची है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। अच्छा निशा जी, ये बताइए कि आपके फादर्स क्या करते हैं? मेरे पिताजी टीचर है। टीचर है, अच्छा। ये क्रेडिट, इतना अच्छा नंबर लाई है, आप किसको जाएगा ये क्रेडिट? अपने पेरेंट्स को और अपने सर को। अच्छा, आपके पेरेंट्स और आपके सर को। कहाँ आप पढ़ती थी? मार्वेलर्स कोचिंग है पप्पू सर के पास। अच्छा, पप्पू सर के पास पढ़ती थी। क्या करना है लाइफ में? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। yes. डॉक्टर बन पाइएगा? हाँ बन पाएंगे। घर वालों को सपोर्ट मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। अच्छा अनु जी, बताइए सब इतना अच्छा आप नंबर लाई हैं, किसको अपना क्रेडिट दीजिएगा? हम अपने पेरेंट्स और मामा को। अच्छा, अपने सर को। कौन कौन है आपके सर? पप्पू सर। अच्छा पप्पू सर, कैसे पढ़ाते थे कि इतना अच्छा नंबर आ जा रहा है आप लोगों का? एकदम 4 से प्लस सबका नंबर है और ऊपर से आप लोग इतना अच्छा से सर इतना अच्छा से गाइड भी करते हैं आप लोगों को। कैसे पढ़ाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सब पे ध्यान देते हैं वो, और जो नहीं पढ़ता है उसको समझाते थे, सपोर्ट करते थे। अच्छा, और सबको अच्छे से। क्या बनना है आपको? अभी नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचे हैं? क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर? डॉक्टर बनना है हमको। डॉक्टर बनना है आपको? Yes. भी डॉक्टर ही बनना है? यस Yes. नहीं, बगल वाली को सुन के आप नहीं ना बोल रही कि डॉक्टर नहीं बनना है? हम उनका अभी हम सोचे नहीं, लेकिन फिर भी सोचे थे कि तो इनका सुन के तो आप नहीं ना बोल दी नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारी मौजूदगी गोपाल गैस के बरौली प्रखंड के माधोपुर में थी और यहाँ पे पप्पू सर है जिनके बच्चे से हम बात की, वो पढ़ाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और एक ऐसा लड़का है जो स्कूल टॉप भी किया है, DPH स्कूल टॉप भी किया है और बिहार बोर्ड के टॉप लिस्ट में भी उसका नाम आया है। आपका क्या प्रतिक्रिया है इन बच्चों के प्रति, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।